छह बदमाशों का एक गैंग निकल के सामने आया है, जिसमें से एक बदमाश को पिस्टल के साथ हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश बहुत ही शातिर किस्म का है, पहले भी जेल जा चुका है। बदमाश को पकड़ने के बाद जो उसने सूचनाएं दी हैं वो बहुत सनसनीखेज हैं। बदमाश ने बताया कि करीब 12 बजे के आसपास इसके दो साथी होमगार्ड की वर्दी में, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की वर्दी में इनकी कार को रुकवाए, और कार रुकते ही तुरंत ये दोनों बदमाश और उनके साथ दो सादे वर्दी में बदमाश, इन्होंने कार के अंदर प्रवेश पा लिया और ड्राइवर को काबू में कर लिया। इन्होंने मेरे को नेशनल स्टेट के बाहर से पकड़ा, जिसमें दो पुलिस वर्दी में लोग थे, दो सादा वर्दी में थे। मैं पुलिस की वर्दी में होने की वजह से रोका गया गाड़ी को, और वहीं पर उन्होंने चारों लोगों ने पिस्टल के नोक पर हम लोगों को कैप्चर कर लिया था। कैप्चर करने के बाद कैसे क्या करा उनको, उन्होंने मेरे को सिर वगैरह नीचे कर दिया था, मेरे को नहीं पता। अब जो गाड़ियों को बहुत दूर तक ले जाते रहे, जहाँ उन्हें कहीं ऐसा लगा कि कुछ इनका आपस में होता था कि नहीं भी पैसा लेना है, इनसे पैसा लेना है, इस तरीके की वो बात कर रहे थे। एक जगह उन्होंने ये भी कहा था कि भाई इन्हें मारने का हमें पैसा मिलना है और उसको ना हमें इनसे ज़्यादा पैसा मिल जाए, इस तरीके की उन्होंने बात करी थी। क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि इन बातों से लग रहा था कि पुलिस के दबाव में आ चुके हैं, तो वो गिरने में लगे हुए थे, अब वो गिर चुके थे, ऐसा उनकी बातों से मेरे को फीलिंग हुआ हो रहा था।